दोस्तों आज हम बताएंगे जो मैच जो जिसका होने का हमको सबको बेसब्री से इंतजार था वो होने से रह गया। दोस्तों हम बात कर रहे हैं कोडी रोड्स ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा के बारे में। दोस्तों ये मैच में स्टार्ट हो रहा था लेकिन कोडी रोड्स के एंट्रेंस के साथ ही ब्रॉक लेसनर ने कोडी रोड्स पर एक F5 जड़ दिया। फिर दोस्तों उसके बाद एक और F5 मारकर रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा को वहां से भगा दिया। आप इस फुटेज में देख सकते हैं कि रोमन रेंस और सोलो सिकोवा कैसे ब्रॉक लेसनर से डर के भाग रहे हैं। दोस्तों अगर ये मैच होता तो आपके हिसाब से कौन जीता? दोस्तों इस ब्रॉल में आपको ब्रॉक लेसनर का बहुत ही ज्यादा हैवानियत भरा रूप देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ब्रॉक लेसनर ने एक बार तो बैरिकेड से ब्रो कोडी रोड्स को पटक दिया था, फिर उसके बाद सुप्लेक्स सिटी की बौछार कर स्टेप से कोडी रोड्स को मार मार कर पेल दिया। दोस्तों इस मैच में आप लोग देख सकते हैं कि ब्रॉक लेसनर ने कैसे एक टेबल भी तोड़ डाला कोडी रोड्स पर। कोडी रोड्स को मार मार कर ब्रॉक लेसनर ने अधमरा कर दिया। दोस्तों रेफरी आ चुके थे ब्रॉक लेसनर को रोकने के लिए लेकिन ब्रॉक लेसनर किसकी भी नहीं सुनता, तो ब्रॉक लेसनर ने कोडी रोड्स को एक F5 स्टेयर्स पर भी मारा और दोस्तों ब्रॉक लेसनर ने कोडी रोड्स को मार मार कर अधमरा कर दिया। दोस्तों आप इस फुटेज में देख सकते हैं कि ब्रॉक लेसनर का अभी मन भी नहीं भरा था और ब्रॉक लेसनर ने चेयर से कोडी रोड्स को मारने की कोशिश की। तो पहले तो दोस्तों ब्रॉक लेसनर ने आते ही कोडी रोड्स को चेयर से मार मार कर पेल दिया। फिर दोस्तों उसके बाद कोडी रोड्स का नेक पर चेयर से बहुत ही खतरनाक तरीके से वार किया। दोस्तों इस ब्रॉल के बाद जिसमें ब्रॉक लेसनर ने F5 और स्टेप से मारा था कोडी रोड्स को हॉस्पिटल जाने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों इस मैच के बाद ही कोडी रोड्स हॉस्पिटल जा चुके थे और रोमन रेंस और सोलो सिकोवा वहां से भाग चुके थे। तो दोस्तों आपको ये मैच कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। सी यू लेटर।